क्या वक्त आ गया है प्रकृति पर हुए जुल्मों के हिसाब किताब को अब बराबर करने का, या कहें तो मानव समुदाय की बढ़ती ख्वाहिशें कहीं मानव जाति को अंत की ओर तो नहीं ले जा रही है। अगर हम कहें तो हंता वायरस अब इस बात की ओर संकेत तो नहीं कर रहा। कोरोना वायरस की मार से जूझ रहे चीन में अब हंता वायरस ने एक व्यक्ति की जान ले ली है और इसके साथ 32 अन्य लोगों की भी जांच की गई है। क्या सोशल मीडिया पर इस समय हंता वायरस की चहल पहल इस बात का कड़ा संकेत तो नहीं है कि अब एक और महामारी की परियोजना पर चीन काम कर रहा है। यह हंता वायरस चूहे को खाने से होता है और यह चूहे के इंसान के संपर्क में आने से फैलता है। हालांकि विशेषज्ञों का माने तो यह कोरोना वायरस की तरह घातक तो नहीं है, लेकिन हंता वायरस भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता तो नहीं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति चूहे के मल पेशाब आदि को छूने के बाद अपने चेहरे को छूता है या नाक मुंह को छूता है तो उसके संक्रमित होने का खतरा है। CDC के मुताबिक माने तो हंता वायरस जानलेवा है और इससे भी संक्रमित व्यक्तियों के मरने का आंकड़ा 38% है। कोरोना वायरस से अब तक 16,500 लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, अब तक दुनिया के 4,00,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस की भयावह की व्यापकता का अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि अब तक इस वायरस ने 196 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। तो क्या प्रकृति के साथ यह खिलवाड़, क्या जानवरों को जिंदा खाना, जिंदा उसे चबा जाना जो चीनी आज तक करते आ रहे हैं, आखिर ये कब रुकेगा, कब होगा प्रकृति के साथ इंसाफ? अगर हम इसी तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहें तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा अपने चैनल के माध्यम से कि एक और वायरस कहीं दस्तक ना दे, और अब हमारे बीच हंता वायरस ये दस्तक दे चुकी है कि अब मानव जाति अपने किए पर किस तरह से पछता रही है, और उन्हें पछताना होगा क्योंकि मानव जाति ने प्रकृति को बेहद नाराज भी तो किया है। तो मानव जाति से मैं यही निवेदन करूंगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें और शाकाहारी भोजन का आदि बने, मांसाहारी से दूर हटें। अधिक जानकारी और अधिक ज्ञान वाले बातों के लिए हमारे चैनल को संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।